भारत की भूमि पर अनेक राजा विभिन्न विभिन्न जाति संप्रदायों के आए, आक्रमण हुए, बड़े बड़े विशाल मंदिर तोड़ दिए गए, क्या क्या हुआ वो सारी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। हिंट इतनी से देना चाहता हूं, हमारे बड़े बड़े ग्रंथालय जल के राख हो गए। 10-20 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी चीज कोई हो तो हम कैसे संरक्षित रख पाते हैं उसे। इसी जीवन में 2-2 साल पहले खरीदी हुई चीज घर में मिलती नहीं है, ढूंढते रह जाते, वहां से लाए थे, तुम देखो। और 2000 साल से ये ग्रंथ सुरक्षित है, तो मुझे लगता है मेरा कोई पुण्य शेष रहा होगा इसलिए ये सुरक्षित है, क्योंकि सामने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आग लगा दी, पानी में बहा दिए, जब जो मौका जिसको मिला नष्ट। मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, क्या कि ये जो ग्रंथ नष्ट हुए वो 2 तरह से नष्ट हुए, एक तो दुष्ट लोगों ने नष्ट किए, दूसरा कारण क्या रहा ग्रंथों के नष्ट होने में, अनभ्यास, हमने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो उनके पुनः प्रकाशन की, उनके डिमांड की कुछ व्यवस्था ही नहीं बनेगी, और धीरे धीरे वो ग्रंथ अपनी जगह सुरक्षित रखा तो रहेगा लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा बदल जाएगी।